गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मैग्नेटिक पोल्स वर्सेस जियोग्राफिकल पोल्स, इनके बीच में क्या अंतर है, आज के वीडियो में यही समझेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लाइन ऑफ इक्वेटर हमारी अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, जबकि नीचे वाले हिस्से को हम सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का टिप है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और सदर्न हेमिस्फेयर के टिप पॉइंट को हम साउथ पोल बोलते हैं। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग प्रकार के हैं। कोई ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल कहलाता है तो कोई मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहलाता है। ऐसा क्यों, आइए इसके डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल पोल्स यानी कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल्स को समझते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि धरती अपने एक्सिस के अराउंड चक्कर लगाती है, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं, और ये चक्कर हर 24 घंटे में वो पूरा करती है। जिस इमेजिनरी लाइन के अलोंग वो चक्कर लगा रही है, घूम रही है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन एक्सिस। और ये एक्सिस कैसे बनती है, जब दो पॉइंट्स को जोड़ा जाता है, ये देख लेते हैं। पॉइंट ए अर्थ के एक टिप पर और पॉइंट बी अर्थ के दूसरे टिप पर, इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया, एक इमेजिनरी लाइन बन गई जिसके अलोंग हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। और ये जो पॉइंट्स हैं टिप में, यही ज्योग्राफिकल नॉर्थ और नीचे वाला ज्योग्राफिकल साउथ कहलाता है। लाइन ऑफ एक्सिस जिसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के बनता है। और ये लाइन ऑफ एक्सिस वर्टिकल लाइन से लगभग 23.5 डिग्री के टिल्ट पर है। सो वी कैन से दैट ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ आर द पॉइंट्स व्हिच व्हेन जॉइंट थ्रू अ लाइन मेक्स एन एक्सिस, एंड अलोंग दिस एक्सिस आवर अर्थ रोटेट्स, एंड दीस पॉइंट्स आर कॉल्ड ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल्स। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा। अब समझते हैं मैग्नेटिक पोल्स के बारे में। हमारी अर्थ एक मैग्नेट भी है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हमारी अर्थ के अंदर कोर में आयरन मोल्टन स्टेट पे है, जो कि करंट्स पैदा करता है। अर्थ के रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं। और हमारी अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करती हैं। जो बार मैग्नेट्स हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं, ये मान लीजिए हमारी अर्थ भी उसी बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। हाँ, वो बहुत बड़ा बार मैग्नेट है। अब इन दोनों को हम कंसोलिडेट कर देते हैं, ज्योग्राफिकल पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स को एक साथ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जो ग्रीन लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल्स, जबकि रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल्स। अब आप ध्यान से देखिए, जहां पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, हमने बात की थी कि ऊपर वाला जो टिप है दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल नॉर्थ अलोंग द एक्सिस लाइन जिसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, और उसके साथ में मैंने मैग्नेटिक साउथ लिया है। ज्योग्राफिकल साउथ के पास में मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ लिया है। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों लिया, ज्योग्राफिकल नॉर्थ के साथ मैग्नेटिक नॉर्थ होना चाहिए लॉजिकली, और ज्योग्राफिकल साउथ के साथ मैग्नेटिक साउथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा उल्टा क्यों? तो चलिए आइए समझते हैं। मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है उससे हमें इस चीज को क्लियर करने में समझने में आसानी होगी। मान लेते हैं आप किसी एक लोकेशन पे हैं अर्थ में, आप लेट अस सपोज यू आर एट न्यू दिल्ली, वहां पे आप मैग्नेटिक कंपास लेते हैं। मैग्नेटिक कंपास भी एक तरह का बार मैग्नेट है, उसे आप अपनी लोकेशन पे एक टेबल पर रखते हैं और उसकी नीडल को अलाइन करते हैं, रेड नीडल को अलाइन करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ और ब्लैक नीडल को साउथ डायरेक्शन की तरफ बिल्कुल अलाइन कर देते हैं। मैग्नेटिक कंपास भी एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और हमारी अर्थ भी बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। और हमें पता है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, यानी कि जो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ होगा वो अर्थ का साउथ होगा। मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ अर्थ के साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, क्योंकि अर्थ भी बार मैग्नेट है, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। और मैग्नेटिक कंपास का साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा। तो इसीलिए जो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ है वो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ हो जाता है, और जो मैग्नेटिक कंपास का साउथ है वो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। तो जो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से निकलती हैं और ऐसे अंदर जाती हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ है वही हम अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ ले लेते हैं,
और जो कंपास का साउथ है वही हम अर्थ का मैग्नेटिक साउथ ले लेते हैं, और मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ के बीच में जो एंगल है उसको मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं। जो मैग्नेटिक पोल्स हैं और ज्योग्राफिकल पोल्स हैं वो लाइंस अलाइन नहीं होती, उनके बीच में जो एंगल होता है उसको मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोला जाता है। और मैग्नेटिक पोल्स जो अर्थ के हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो आयरन मोल्टन स्टेट पे है उसके जो फ्लक्स है वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक पोल्स हमारे चेंज होते रहते हैं। एट प्रेजेंट जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो इलिसमेयर आइलैंड नॉर्दर्न कनाडा है, वहां से पास हो रही है वो लाइन। तो आई होप स्टूडेंट्स ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, ज्योग्राफिकल पोल्स क्या होते हैं और मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं। ये दोनों अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इनका मैकेनिज्म अलग है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल्स वो पॉइंट्स हैं जो अर्थ के रोटेशन एक्सिस बनाते हैं और उसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, जबकि मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल्स, ये मैकेनिज्म अर्थ के अंदर है। मोल्टन स्टेट में आयरन होता है जो कि करंट्स पैदा करता है, और यही करंट्स इन टर्न मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। तो बिकॉज दीज टू आर डिफरेंट मैकेनिज्म, इसीलिए मैग्नेटिक पोल्स एंड ज्योग्राफिकल पोल्स अलग अलग लाइंस हैं और ये अलाइन नहीं करती हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।